दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बोगनविलिया प्लांट को आप किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं, वही आज का वीडियो का टॉपिक्स है। पर उससे पहले मैं अपने मोगरे के प्लांट को आपको दिखा रही हूँ कि इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि मोगरा एक हैवी फीडर है तो हमें बहुत ही अच्छे से इसे खाद वगैरह देना होता है। तो मेरे चैनल पर इसका वीडियो ऑलरेडी शेयर है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप इसी वीडियो को बंगला भाषा में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल लिस्ट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ मेरा दूसरा चैनल शो हो रहा है, तो वहाँ से आप जाकर बंगला भाषा में ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों कोई भी प्लांट को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो सॉइल मीडिया बहुत अच्छा बनाकर देना पड़ता है, और जो बोगनविलिया प्लांट है वो एक हैवी फीडर है क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लावर एक साथ आते रहते हैं गुच्छों में, और ये जो है एक परमानेंट प्लांट है तो हमें इसे काफ़ी अच्छी सॉइल मीडिया देनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसी सॉइल मीडिया देना है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ दोस्तों कोकोपीट ले रही हूँ, और जो है वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ यहाँ पर, और नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है वो, इन तीनों का मैंने इक्वल रेशियो रखा है, बराबर मात्रा में है ये तीनों। अगर आपके पास सैंड अवेलेबल है तो आप सैंड भी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, ये तो नॉर्मल आप इस तरह से, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इस तरह से भी अपने प्लांट को जो है बिठा सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ ज़रूरी है नीम की खली। नीम की खली आप अपने जब भी पॉटिंग मिक्स बनाएं उसमें ज़रूर से कम दो मुट्ठी जितना नीम की खली ऐड कीजिए। नीम की खली मिलाने से हमारे जो प्लांट है उसमें किसी भी तरह का इंसेक्ट का अटैक सॉइल से नहीं होता, और चींटियां भी इससे दूर रहती है, और ये एक बहुत ही अच्छा खाद का भी काम करता है। तो नीम की खली आप ज़रूर से मिलाइए। तो दो मुट्ठी जितना मैंने यहाँ नीम की खली ऐड किया है, और इसके बाद जो है मैं दो मुट्ठी जितना काफ़ी रहेगा ये मैं वैसे मैं 8 इंच के पॉट में लगाने के लिए बना रही हूँ, बट थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा तो 10 इंच के पॉट के लिए भी आप मानकर चल सकते हैं। तो दो मुट्ठी मैंने ये लेने के बाद में नीम की खली, अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच जितना बोन मील ऐड कर रही हूँ। दोस्तों बोन मील के अंदर फॉस्फोरस कैल्शियम और प्रोटीन रहता है, और नाइट्रोजन भी इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में रहता है, और दूसरी चीज़ है ये एक स्लो फर्टिलाइज़र है तो हमारे प्लांट को ये धीरे धीरे जो है अच्छे से जो है खाद देने का काम करता है, और प्लांट की ग्रोथ इसमें काफ़ी अच्छे से होती है, रूट्स भी डेवलप होते हैं। और यहाँ पर जो है मैं हॉर्न मील ले रही हूँ, हॉर्न मील भी काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र है। हॉर्न मील भी मैं यहाँ पर 2 चम्मच ही दे रही हूँ। हॉर्न मील में फॉस्फोरस काफ़ी अच्छे से रहता है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है ये भी, तो ये आप 2 चम्मच मैं मिला रही हूँ, और यहाँ पर 1 चम्मच जितना साफ फंगिसाइड ले रही हूँ। दोस्तों एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपके पास बोन मील या हॉर्न मील में से कोई भी एक चीज़ नहीं है और आप सिर्फ एक ही चीज़ डाल रहे हैं तो आप 3 चम्मच डालिएगा, लेकिन यहाँ मैंने दोनों चीज़ें ऐड की है इसलिए मैं 2-2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और साफ फंगिसाइड की जगह पर आप जो है ट्राइकोडर्मा बेवस्टिंग कोई भी ले सकते हैं फंगिसाइड, और अगर कोई भी फंगिसाइड आपके पास नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का 1 चम्मच ज़रूर मिक्स कर दीजिएगा, तो आपके प्लांट में किसी तरह का भी फंगस नहीं लगेगा। ये सारा जो है रेशियो मैं आपको बता दिया है मैंने अच्छे से। अब जो है दोस्तों अगर मैं यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप लीव कंपोस्ट या आप जो है गोबर का जो सड़ा हुआ जो सड़ी हुई जो खाद होती है थोड़ा पुराना लेना पड़ेगा आपको, वो भी आप ले सकते हैं। तो इसे आप बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिएगा। इस सॉइल मीडिया के अंदर आप अपने फ्लावर के प्लांट जब लगाएंगे तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेगा, और उसे आपको 1 महीने तक किसी भी तरह का खाद देने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि दोस्तों हमने इसमें बहुत ही अच्छे से खाद मिक्स कर दिया है, तो अब इसे जो है एक महीने तक आपको किसी भी तरह का खाद देने की ज़रूरत नहीं है और 20 दिन तक आपको कोई ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20 दिन बाद आप इसमें किसी भी तरह का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बोगनवेलिया का जो प्लांट है दोस्तों वो एक हैवी फीडर है और परमानेंट प्लांट है, तो सॉइल मीडिया को मैं यहाँ साइड में रखती हूँ। और आज का जो हमारा प्लांट है वो ये है। ये प्लांट जब मैं ख़रीद कर लेकर आई थी तब मैंने आपके साथ उसका वीडियो भी शेयर किया था, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगी। तो ये फूल जो थे ये सूख गए हैं, क्योंकि मैं ख़रीद के जब प्लांट लेकर आती हूँ उसके बाद जो है कम से कम 6-7 दिन तक जो है ऐसे ही रख देती हूँ, ताकि हमारे टेम्परेचर के हिसाब से जो प्लांट जो है वो सह पाए। क्योंकि नर्सरी में काफ़ी बार जो प्लांट है वो सेमी शेड या काफ़ी बार जो है ग्रीन हाउस के नीचे भी रखा रहता है, लेकिन मैं तो अपने सभी प्लांट को छत पर ही रखती हूँ जहाँ बहुत तेज़ धूप होती है। तो पहले तो मैं जो भी प्लांट ख़रीद के लाती हूँ उसे धूप सहन करवाना ज़रूरी है, तो इसी तरह से ग्रो बैग में ही रखा रहता है मेरे कम से कम 5-6 दिन तक। उसके बाद मैं इसे जो है जो भी प्लांट है उसे एक एक करके रिपोर्ट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे प्लांट एक साथ लेकर आती हूँ और सबको एक साथ रिपोर्ट नहीं कर पाती हूँ, इतना समय नहीं होता है। दोस्तों यहाँ 8 इंच का मिट्टी का पॉट लिया है, उसके ड्रेनेज होल पर भी मैंने किसी गमले का टुकड़े से कवर कर दिया है। अब जो ये सॉइल मीडिया मैंने बनाया है इसे ही मैं अब भरूंगी धीरे धीरे। तो ये 8 इंच का पॉट है दोस्तों, अगर आपके पास 10 इंच का पॉट अवेलेबल है तो आप 10 इंच के पॉट में ही रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि जितने भी ये बोगनविलिया वगैरह प्लांट होते हैं ये परमानेंट प्लांट होता है, तो आप सीधा 10 इंच के पॉट में भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास विंटर के काफ़ी सारे 8 इंच के पॉट भी खाली रखे हुए थे, तो मैं उसी में ही अपने ये प्लांट जो है रिपोर्ट कर रही हूँ। तो जो पॉटिंग मिक्स बनाया है उसे थोड़ा सा भर लिया है। अब ग्रो बैग्स को बहुत ही आराम से काटना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने वीडियोस में बताया भी है जहाँ मैं रहती हूँ मॉनसून आ चुकी है, तो बारिश के कारण जो है ये सभी जो मिट्टी वगैरह या ग्रो बैग से काफ़ी गीले हो जा रहे हैं। तो अच्छे से इसको काट लिया है मैंने और अब जो है ये प्लांट को आराम से निकाल के और इसमें बीच में बिठा दूँगी। बहुत ही आराम से करना है क्योंकि मॉनसून आई है लेकिन फिर भी गर्मी काफ़ी तेज़ है। तो बहुत ही आराम से इसको निकाल कर मैंने जो है इसे बीच में बिठा दिया है और जो सॉइल मीडिया बनाए हैं उसे अच्छे से जो है इस पॉट को भर दूंगी। और भरने के बाद में इसे बहुत ही अच्छे से भरना पड़ेगा दोस्तों। अच्छे से भरने के बाद में इसे बहुत ही अच्छी तरह से एक बार वाटर भी देना है। वाटरिंग अच्छे से कीजिएगा, जब तक ड्रेनेज होल से पानी अच्छे से ना निकले तब तक आप वाटर दे सकते हैं। मेरे यहाँ मॉनसून आ गई है इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं दे रही हूँ, थोड़ा नॉर्मली पानी दूंगी। और एक बात है दोस्तों कि जब आप किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करें तो इसे कम से कम 2-3 दिन तक सेमी शेड एरिया में ज़रूर से रखिए और उसके बाद ही इसे जो है धूप में रखिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।